हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन, जिसमें हम आपको आज ये दो रंग का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। दो रंग का ये डिज़ाइन है जिसके लिए हमने वाइट कलर और रेड कलर का यूज़ किया है और आज हम इसे बनाएंगे। बहुत इजी है ये बनाने में डिज़ाइन और बहुत सुंदर ये बनकर लगता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए फंदे जो हमें लेने हैं वो 7 के मल्टीपल में लेने हैं, जैसे कि 42, 49, 56 इस तरह से। और जितने भी फंदे आपको अपने व्यूलन प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उसमें से आप एक कम कर देंगे। अगर आपको 49 फंदे चाहिए तो आप उसमें से एक कम करके 48 फंदे लेंगे। 56 के आपको लगभग फंदे चाहिए तो आप उसमें से एक कम करके 55 फंदे लेंगे। तो इस हिसाब से जैसे जितने आपके प्रोजेक्ट की चौड़ाई है तो आपको फंदे उसी के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। वो तो 7 के मल्टीपल में हो और 7 के मल्टीपल में से एक कम हो, इस तरह से आप इसमें फंदे लेंगे तो आपका ये डिज़ाइन बहुत सुंदर बनेगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए, ये फर्स्ट रो है हमारे डिज़ाइन की और जिस कलर से हमने बॉर्डर बनाया है उससे सेकंड कलर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, या फिर आप जिस कलर से बॉर्डर बनाया है उस कलर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका बॉर्डर रेड कलर से है और आप रेड कलर से ही स्टार्ट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और वाइट कलर से है और रेड कलर से स्टार्ट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। ये दोनों तरह से अच्छा लगता है। तो देखिए, पहली सिलाई, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको एक लूप वाला डिज़ाइन बनाना बताया था जिसमें हम धागे का लूप बना के आगे ले आते हैं अपने सामने की तरफ, देखिए इस तरह से, और फिर दो फंदे उल्टे बुनते हैं जो धागा खिंच नहीं रहा है उससे। उस तरह से हम दो फंदे बुनेंगे। ये मैंने अभी आपको पीछे 3-4 वीडियो में भी बताया था, जो ये देखिए, फिर बाकी बचे हुए फंदे को पीछे खींच दिया। एक बार और बनाएंगे लूप और फिर इसको बनाकर फिर पीछे खींच देंगे। देखिए इस तरह से दो बार हमने ये डिज़ाइन बनाया है। अब ये हमारे आ गए वाइट कलर के फंदे, तो इनको हम सीधा ही बुन देंगे वाइट कलर से। यहाँ पर हम डिज़ाइन को बनाते हुए आगे आ गए हैं। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो सारे फंदे आपके एक ही कलर के रहेंगे, तो आपको ऐसे ही बुनना है जैसे मैं बुन रही हूँ। देखिए, फिर से लूप बनाया और फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे और जो धागा है पीछे वापस खींच देंगे, जो बचा हुआ धागा है। फिर से लूप बनाया और फिर से दो फंदे उल्टे बुन देंगे, बाकी बचे धागे को पीछे खींच देंगे। अब देखिए, फिर से फंदे आ गए वाइट कलर के, इनको सीधा बुन देंगे। इसमें डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, इसको सिंपल बुन रहे हैं, और जो रेड कलर के फंदे हैं उनमें हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो इसी तरह करते हुए ये फर्स्ट रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। चलिए इसे कंप्लीट हम कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट रो के बाद आप देखेंगे मेरे लास्ट में वाइट कलर के फंदे हैं, क्योंकि इसमें जो फंदे हैं हमारे 44 फंदे हैं। अगर हम इसमें 48 फंदे लेते तो हमारे लास्ट में भी ऐसे ही रेड कलर के फंदे होते जैसे कि ये हमारे स्टार्टिंग में हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप जो है इसमें 7 के मल्टीपल में जितने फंदे होंगे उसमें से एक कम करके लेंगे तो आपके लास्ट में और स्टार्टिंग में बिल्कुल एक जैसे फंदे आएंगे, तो डिज़ाइन और भी सुंदर लगेगा। देखिए, अब सारे फंदे जो वाइट कलर के हैं इनको हमने उल्टा बुन लिया सेकंड सिलाई में, और जो रेड कलर के फंदे हैं इनको भी उल्टा बुन लेंगे, लेकिन रेड कलर से ही बुनेंगे। तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम इसको उल्टा बुनते जाएंगे इस पूरी सिलाई में। देखिए, 4 फंदे रेड कलर के हैं, इनको उल्टा बुन दिया। अब फिर वाइट कलर के आ गए 3 फंदे, इनको उल्टा बुन देंगे। फिर से रेड कलर के आ गए, फिर इनको उल्टा बुन देंगे रेड कलर से। तो सारी सिलाई में हमें उल्टा फंदे बुनते जाना है, तो चलिए हम इसे बुन लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में क्या करेंगे, हमें फिर से वही करना है जैसा हमने फर्स्ट रो में किया था। पहला फंदा सीधा, लूप बनाया, उसके बाद दो फंदे उल्टे, फिर बचे हुए धागे को पीछे खींच दिया, फिर से लूप बनाया, फिर दो फंदे उल्टे, फिर बचे हुए धागे को पीछे खींच दिया। आप जो व्हाइट कलर के फंदे हैं इनको व्हाइट कलर से ही सिंपल सीधा बुनेंगे और फिर से लूप बनाएंगे रेड कलर से। तो बिल्कुल पहली सिलाई की तरह ही है ये, बिल्कुल रिपीट है। फर्स्ट और सेकंड रो की रिपीट बनेंगी थर्ड और फोर्थ रो, बिल्कुल पहली सिलाई की जैसी बनानी है हमें तीसरी सिलाई को। तो चलिए इस तीसरी सिलाई को हम बना लेते हैं। देखिए, थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है और अब फोर्थ रो में हम आ गए। फोर्थ रो में फिर से हमें सेकंड रो की तरह ही
व्हाइट कलर के फंदों को उल्टा बुन लेंगे हम। देखिए उल्टा बुन लिया हमने, फिर रेड कलर के फंदे आ गए, इनको रेड कलर से उल्टा बुन देंगे। ये भी सिलाई बिल्कुल हमारी सेकंड सिलाई की तरह ही है, दूसरी सिलाई की तरह ही है। पहली सिलाई की तरह हमारी तीसरी सिलाई बनी है और दूसरी सिलाई की तरह हमारी ये चौथी सिलाई बनी है। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। देखिए चार सिलाइयां हमारी बन गई हैं और अब हम पांचवी सिलाई में आ गए। पांचवी सिलाई में हम पहले रेड फंदों को बुनेंगे। पहला फंदा सीधा और अब लूप बनाएंगे और दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे खींचेंगे और फिर लूप बनाएंगे और दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए खींच दिया। अब ये देखिए हमारे जो व्हाइट कलर के फंदे हैं, अब हम इनमें भी डिज़ाइन डालेंगे। और डिज़ाइन कैसे डालेंगे, देखिए नीचे हमारे ये लूप वाला डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसमें इसी तरह से हम इसमें अब ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ पर देखिए ये लूप बने हुए हैं इस तरह से। तो अब जो ये तीन फंदे हैं हमारे, इसमें जो ये बीच वाला फंदा है इसके ठीक नीचे हम चलते जाएंगे तो ये देखिए ये छेद दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? सब जहाँ से हमने इस सिलाई को बुनना स्टार्ट किया था वहाँ पर हमें एक छेद दिख रहा है। देखिए जहाँ पर हमारा ये पहला लूप ख़त्म हुआ है, पर आपके में अभी लूप है नहीं, तो जहाँ से हमने ये वाइट कलर के फंदे बुनने स्टार्ट किए हैं, चार सिलाइयाँ बुनी हैं, यहाँ से हम सिलाई को एंटर करेंगे। देखिए ये छेद दिख रहा है, यहाँ से एंटर करेंगे और एक नया फंदा बनाएंगे वाइट कलर से ही। ये देखिए नया फंदा हमने इसमें बना लिया और अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और अगले तीन फंदों को वाइट कलर से सीधा बुनेंगे। देखिए वाइट कलर से हमने इनको सीधा बुन लिया। अब जहां से हमने ये पहला नया फंदा बनाया है यहीं से हम एक दूसरा नया फंदा बनाएंगे। ये देखिए दूसरा नया फंदा हमारा बन गया, इसका भी हमें कुछ नहीं करेंगे। अब हम आगे चलेंगे रेड कलर के फंदों पर, इसे भी फिलहाल हम छोड़ देंगे। और रेड कलर के फंदे हमें उसी तरह से बुनने हैं जैसे हम बुन रहे हैं, लूप बना के दो फंदे उल्टे, फिर लूप बना के दो फंदे उल्टे। देखिए इस तरह से हमने रेड कलर के फंदे बुन लिए। अब फिर से हम वाइट फंदों पर आ गए तो फिर से हम क्या करेंगे, बीच वाला फंदा उसके नीचे, उसके ठीक नीचे जाएंगे और जो छेद है उसमें से जहाँ से हमने वाइट कलर से बुनना स्टार्ट किया था उस वाली लाइन में से, वहाँ से मतलब चार सिलाइयाँ हम बुन चुके हैं, ये पांचवी बुन रहे हैं, एक नया फंदा बनाएंगे स्टार्टिंग में ही। ये देखिए एक नया फंदा हमने बना लिया। अब तीन फंदों को सीधा बुनेंगे जैसे कि हम हर बार बुन रहे हैं और फिर से जहाँ से पहला फंदा बनाया था वहीं से ही एक फंदा और बनाएंगे उसी छेद में से। ये देखिए एक फंदा और बना लिया। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, रेड कलर पे आ जाना है फिर से। तो इसी तरह से हमें इस पूरी सिलाई को बना लेना है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। देखिए ये पांचवी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सारे लूप हमने बना लिए व्हाइट कलर के, और रेड कलर के फंदों को हमने जिस तरह से हम डिज़ाइन डाल रहे हैं उस तरह से बुन लिया। अब हम छठी सिलाई में आ गए। छठी सिलाई में हमें क्या करना है, पहला फंदा हमारा क्योंकि वाइट कलर का है इसलिए हम इसको उल्टा बुनेंगे सिंपल। ये हमारा सिंपल फंदा है जिसको हम नीचे से सिंपल ही बुनते आ रहे हैं। अब ये देखिए ये है हमारे डिज़ाइन वाले फंदे जिसमें हमने ये देखिए पहला फंदा बनाया था लूप वाला, और ये बाकी के तीन फंदे हैं बीच में। ये देखिए पाँच फंदे हैं ना ये टोटल, ये देखिए पांच फंदे हैं, एक ये नया है फंदा बनाया था, एक ये नया फंदा बनाया था और तीन ये फंदे हमारे रेगुलर फंदे हैं। तो इनको जो नए फंदे बनाए थे इनको तो छोड़ देंगे बिना बुना, और जो ये तीन फंदे हैं इनको बुन लेंगे जिनको हमने पिछली सिलाई में भी बुना था। देखिए तीनों को बुन लिया, अब इसको हम छोड़ देंगे बिना बुना ऐसे ही, इसको हम अगली सिलाई में बुनेंगे। अब रेड फंदे आ गए, इनको रेड कलर से बुनेंगे। बुनना इसमें उल्टा ही है इस सिलाई में भी, बस हमें जो नए फंदे हमने बनाए हैं वाइट कलर के उन्हें नहीं बुनना है। देखिए पहला फंदा है जो नया बनाया था लास्ट फंदा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे
और अगले तीन फंदों को बुनेंगे। और देखिए इस लास्ट फंदे को भी छोड़ देंगे इस तरह से। फिर रेड फंदों को बुनेंगे, रेड फंदे चार फंदे हैं, इन चारों को बुन लेंगे। और फिर वाइट पहले को बिना बुना छोड़ देंगे और अगले तीन को बुनेंगे। और फिर इसे छोड़ देंगे। इसी तरह से इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। छठी सिलाई है ये हमारी, चलिए इसे कर लेते हैं। देखिए छठी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और अब हम सातवीं सिलाई में आ गए। सातवीं में फिर हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे रेड कलर से और फिर लूप बनाकर दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फिर से लूप बनाकर दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए रेड फंदे बुन गए, अब वाइट फंदे आ गए। व्हाइट फंदों में अब ये देखिए हमारे पांच फंदे हैं, मैंने कहा था इनको हम अगली सिलाई में बुनेंगे, तो हम इस बार इसको बुनेंगे। लेकिन बुनने से पहले सबसे पहले हम इस फंदे को देखिए ऐसे पलट लेंगे ताकि ये सीधा हो जाए। अगर हम इसको ऐसे ही बुनेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए पहला फंदा जो कि नया बनाया हुआ है ये, और जो एक तीन फंदे हैं उनमें से एक, इन दोनों को एक साथ बुनना है हमें पीछे की साइड। देखिए पीछे की साइड हमने बुना है इसको ऐसे, देखिए इस तरह बुन गया, सीधा आया है ना। और अगर हम इसको नहीं पलटते तो ये यहाँ पर सीधा नहीं आता, फिर अच्छा नहीं लगता। अब बीच वाला फंदा है उसको हम सिंगल बुनेंगे अकेला, और अब ये जो लास्ट वाले दो फंदे हैं इनको फिर से एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से नहीं आगे की तरफ से, इस तरह से। ये पांच फंदे थे, हमने इसको वापस तीन बना दिया। अब रेड कलर के फंदे आ गए, तो इसके लिए देखिए हमने लूप बनाया, फिर दो फंदे उल्टे, बचा हुआ धागा पीछे खींचा, फिर लूप बनाया, दो फंदे उल्टे, फिर से खींचा। अब ये देखिए फिर वाइट फंदे आ गए। अब इसमें से हम पहले फंदे को पहले पलटेंगे, सीधा कर लेंगे। ये अभी घुमा हुआ है, इसको देखिए इस तरह से निकालेंगे और घुमा के वापस सिलाई में इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद पीछे की साइड दो फंदों का एक करना है, पहला फंदा ये जो नया है और दूसरा जो हमने पहले से तीन फंदे हैं, उन दोनों को एक साथ बुनेंगे पीछे की साइड, देखिए इस तरह से, और ये बुन दिया। अब देखिए दो का एक हो गया। अब एक जो बीच वाला फंदा है इसको अकेला बुनेंगे, ये अकेला बुन दिया। अब ये जो लास्ट के दो फंदे बचे हैं इनको एक साथ आगे की साइड से बुनेंगे। स्टार्टिंग में पीछे की साइड से बुना था, अब आगे की साइड से बुनेंगे। देखिए इन्हें बुन देंगे। अब देखिए इस तरह से वाइट फंदे बुने गए और रेड फंदे अब हम बुन लेंगे, और फिर आगे भी वाइट फंदे इसी तरह से बुनेंगे। देखिए पहले रेड बुन लेते हैं लूप बना के, और अब फिर से वाइट पे आ गए हम। वाइट में फिर से पहले फंदे को सीधा कर लेंगे, निकाल के पीछे की साइड से इस तरह से हम सिलाई में वापस डाल लेंगे। पीछे की साइड से ही दो का एक करेंगे। देखिए अब इस बीच वाले फंदे को अकेला बुनेंगे सिंगल, और लास्ट के दो फंदों का फिर से एक करेंगे आगे की साइड से, इस तरह से। इस तरह से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। सातवीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब आठवीं सिलाई में आ गए। आठवीं सिलाई में हम वाइट कलर के फंदों को वाइट कलर से और रेड कलर के फंदों को रेड कलर से उल्टा बुनते जाएंगे। सारी उल्टी साइड की जो रोंग साइड की हमारी सिलाइयां हैं वो सारी हमारी लगभग एक जैसी हैं, इनमें हम उल्टा ही बुनते हैं सिर्फ उस वाली सिलाई के अलावा जिसमें हमने फंदे बिना बुने छोड़े थे। पांचवी छठी सिलाई में हमने फंदे छोड़े थे बिना बुने सिर्फ, उसके अलावा बाकी नहीं तो हमारी सारी सिलाइयां एक जैसी ही हैं। देखिए वाइट आ गए, इनको वाइट से उल्टा बुनेंगे। अब रेड आ जाएंगे और उनको रेड से उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इस सिलाई को आठवीं सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये एट सिलाइयां हमारी पूरी हो गई हैं, आठ सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। और अब हम जितना बड़ा हमें वूलन प्रोजेक्ट बनाना है इन आठ सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। बहुत सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन बना के। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आप इसे अपने वूलन प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। थैंक यू।